हेलो दोस्तों, एमडी प्रेजेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए एमडी प्रेजेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए टेक वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, एमडी प्रेजेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मोहम्मद दिलशाद, आज मैं आपको बताने वाला हूँ भारत गैस के बारे में। भारत गैस कैसे बुक कर सकते हैं, सिलेंडर मोबाइल नंबर कैसे चेंज कर सकते हैं, एड्रेस कैसे चेंज कर सकते हैं, सर्विस रिक्वेस्ट कैसे जान सकते हैं और बहुत सारी डिटेल्स आपको मैं बताने वाला हूँ। बुक कैसे कर सकते हैं, गैस बुक कैसे कर सकते हैं, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो ये वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है भारत गैस। ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो चलिए प्ले स्टोर चलते हैं, एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। तो आपको प्ले स्टोर ऑन ओपन करने के बाद ऊपर में सर्च करना है भारत गैस। भारत गैस सर्च करते ही रिजल्ट आ जाएगा आपको नीचे। यहाँ आप देख सकते हैं भारत गैस, ये इंटरफेस देख लीजिए। एप्लीकेशन की आइकन ये है, मैं पहले से इंस्टॉल कर रखा हूँ इसलिए इसे ओपन कर लेता हूँ। अगर आप इंस्टॉल नहीं कर रखे हैं तो इंस्टॉल कर लें, उसके बाद ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद, ओपन होते ही आपको यहाँ दो ऑप्शन आएंगे, लॉग इन नाउ और स्काइप लॉग इन। अगर स्काइप लॉग इन करेंगे तो इसमें आपको कोई डिटेल्स आपका नहीं आएगा, सिर्फ लोकेशन चेंज कर सकते हैं, डिटेल्स जान सकते हैं। अगर आपको फिर एक्टिव लॉग इन करना है तो चलिए बताता हूँ। जब आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे, ओपन करते ही मेनू में जाने के बाद यहाँ देख लें आप, साइड में मेनू है, मेनू में जाने के बाद यहाँ है एक्टिव लॉगिन। आप एक्टिव लॉगिन पे क्लिक करेंगे, एक्टिव लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आ जाएगा लॉगिन नाउ। तो लॉगिन नाउ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर डाल देंगे। तो चलिए मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे है गेट ओटीपी। मोबाइल नंबर डालने के बाद अब गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। गेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका इंटरफेस आएगा। कंफर्म डिटेल्स आप देख लें, आप अपना नाम एड्रेस कंफर्म है कि नहीं, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर दें। प्रोसीड पे क्लिक करते ही प्लीज वेट, थोड़ा टाइम दें, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाएगा। जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है वही मोबाइल नंबर डालें, उस पर फिर ओटीपी आएगा। तो ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। अगर ओटीपी नहीं आता है तो ऊपर में शो करता है रीसेंट ओटीपी, उस पर क्लिक करके दोबारा ओटीपी मंगा सकते हैं। तो चलिए पिन डाल लेते हैं। आप कोई सा भी पिन या ऐप लॉक करने के लिए कोई सा भी आपको जो पिन डालना है वो डाल सकते हैं, कोई भी, दोनों में पिन सेम डालें। उसके बाद जनरेट पिन पे क्लिक कर दें नीचे, उसके बाद ये आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। एप्लीकेशन ओपन होते ही आपकी आपको यहाँ साइड में मेनू मिलेगा, मेनू पे क्लिक करें। इसमें आपके जी भी डिटेल्स है, जो भी डिटेल्स है, कंज्यूमर नंबर, कंज्यूमर आईडी, मोबाइल नंबर, नाम, सब शो करेगा ऊपर में। अब चलिए आपको मैं बता दूँ इसके फीचर। फीचर पहला फीचर बता दूँ, क्विक बुक एंड पे। आप इससे इसमें जाकर क्विक बुक एंड पे में जाकर सिलेंडर बुक कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं साइड में डिस्ट्रीब्यूटर का डिटेल्स है, डिस्ट्रीब्यूटर कोड है, उसके बाद अपना नाम, कंज्यूमर नंबर, उसके बाद सबमिट कर देंगे तो आपका सिलेंडर बुक हो जाएगा। चलिए आपको दूसरा फीचर बता दूं। उसके बाद हिस्ट्री जानना है कि कब गैस बुक किए, मेरा सब्सिडी बैंक अकाउंट में गया कि नहीं, मेरा बैलेंस गया कि नहीं, तो पूरा डिटेल्स आप यहाँ से जान सकते हैं रिफाइल हिस्ट्री से। तो रिफाइल हिस्ट्री में जाते हैं, उसके बाद आपका जो भी हिस्ट्री है वो आपको यहाँ शो करेगा, कब बुक किए, बुकिंग डेट, डिलीवरी डेट, ऑल ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ आपको शो करेगा। सब इंफॉर्मेशन आप यहाँ देख सकते हैं, कब गैस बुक किया हूँ, कितने का बुक किया, सब कुछ यहाँ आपको बता देगा। तो चलिए आपको दूसरा फीचर बता दूँ, बैक हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ है सर्विस रिक्वेस्ट। सर्विस रिक्वेस्ट का मतलब, आप सर्विस रिक्वेस्ट में जाने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर, नाम, एड्रेस, सब कुछ चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए इसमें चलते हैं। जाने के बाद सबसे ऊपर है व्यू रिक्वेस्ट। व्यू रिक्वेस्ट में अगर जाएंगे, अपने कुछ रिक्वेस्ट दिए हैं तो इसमें शो करेगा। दूसरा है
मैकेनिक सर्विस रिक्वेस्ट, अगर आपको मैं सिलेंडर में या गैस चूल्हे में कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ से आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। दूसरा एड्रेस चेंज, यहाँ एड्रेस चेंज में जाके, एड्रेस चेंज में जाएंगे उसके बाद ये पुराना एड्रेस है, नया एड्रेस जाने के बाद यहाँ सबमिट पे एड्रेस प्रूफ डालना पड़ेगा, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपका एड्रेस चेंज हो जाएगा। दूसरा मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर में जाएंगे, ऊपर आपका पुराना मोबाइल नंबर होगा, नीचे में नया मोबाइल नंबर डाल देंगे, उसके बाद यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, उसके बाद सबमिट कर देंगे तो आपका मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई रिक्वेस्ट डाले हैं वो रिक्वेस्ट को कैंसिल करना है तो आप यहाँ से कैंसिल सर्विस पे कर सकते हैं। चलिए और भी फीचर आपको बता दूँ, अगर इमरजेंसी में कोई पूछना हो, कस्टमर केयर को फ़ोन लगाना हो तो यहाँ से इमरजेंसी हेल्पलाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कॉल लगा सकते हैं। उसके बाद मेनू में जाएंगे, मेनू में जाने के बाद बहुत सारे ऑप्शन यहाँ भी है, अगर आपके पास एक ही सिलेंडर है और सेकेंड सिलेंडर का रिक्वेस्ट डालना चाहते हैं तो यहाँ से डाल सकते हैं रिक्वेस्ट फॉर सेकेंड सिलेंडर। OTP सेफ CD है, बहुत सारा है। सिलेंडर कनेक्शन, अगर आप कनेक्शन बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेंडर कनेक्शन पे कर सकते हैं। उसके बाद अपने डिस्ट्रीब्यूटर का रेट भी दे सकते हैं कि उसका सर्विस कैसा है, कैसे है, क्या है। अपना लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, जो भी लैंग्वेज डालना चाहें डाल सकते हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे तो क्या है, आप जब भी बुक करेंगे गैस उसका नोटिफिकेशन, डिलीवरी का नोटिफिकेशन, आपका बैलेंस जाएगा अकाउंट में उसका नोटिफिकेशन, सब कुछ आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको पूरा डिटेल समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अपना ख्याल रखें।